नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मैप के बारे में। तो राजस्थान का संपूर्ण नक्शा है वह किस प्रकार भरा जाता है तथा किस प्रकार उसको इजीली याद किया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हों, हाल ही में आ रही पटवारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हों, SI की, LDC की या रीट की तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह सभी किसी की भी आप एग्जाम दें सभी में कॉमन है। तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इससे पहले आपको बता दूं कि यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान GK की जानकारी या अन्य भी कोई भर्ती संबंधी जानकारी है वह आप तक पहुँच सके। तो नीचे लिंक दिया है, उससे व्हाट्सएप ग्रुप से आप भी जुड़ें तो अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर भी कर दें, जिससे सभी लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ तो हम लगातार तैयारी को बेहतर बना सकें। तो राजस्थान की तैयारी करने से पहले दोस्तों आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, तो उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वह आपको याद होनी चाहिए। तो उसके बारे में चर्चा करूं, उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको मैप के अलावा और भी बहुत सारी अन्य जानकारी भी दूंगा। यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन अपना साथ में लेकर बैठें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को लिख सकें, जिससे बाद में आपके नोट्स भी बन जाएंगे तो आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के बारे में जो बेसिक जानकारी है वह हम देख लेते हैं, उसके बारे में हम मैप को भरना सीखेंगे। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है दोस्तों, यह कॉमन जानकारी है, जो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है, तो वह दोस्तों आप नोट कर लीजिए, वह है 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो 342,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। जो दोस्तों यदि आप क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि यह वर्ग मील में कितना है, कितना वर्ग मील है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो वर्ग मील में होगा वह होगा दोस्तों 213,899 वर्ग मील। तो ये वर्ग मील में दोस्तों हो जाएगा राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये भारत का कितना प्रतिशत है, तो भारत का दोस्तों 10.41%, 10.41% भारत का हिस्सा है। यदि वैसे पूछ लिया जाए तो भारत का 1/10 भाग है वह राजस्थान का क्षेत्रफल होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वह है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, यानी चारों तरफ जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है, कुछ राज्यों के साथ लगता है, कुछ देश के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ में लगता है, तो कुल जो सीमा है वह दोस्तों कितनी है, वह 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। जो पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है, तो पाकिस्तान के साथ में 1,070 किलोमीटर लगती है। तो 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और अंतर्राज्य सीमा है वह कितनी है दोस्तों, तो वह है 4,850 किलोमीटर वह अंतर्राज्य सीमा है। तो विभिन्न राज्यों के साथ में सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 4,850, और पाकिस्तान देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह लगती है 1,070 किलोमीटर, और टोटल कितनी होगी, 5,920 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की जो स्थलीय सीमा टोटल है उसके बारे में जानकारी होगी। अब जो नेक्स्ट जानकारी अपन जो देखते हैं वह देखते हैं कि दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट जो बात है वह बता दूँ कि राजस्थान का अपना जो भौगोलिक प्रदेश है वह विश्व में एक देश पड़ता है जर्मनी, तो लगभग जर्मनी के बराबर है, मतलब जर्मनी के जितना देश जर्मनी है उतना अपना राजस्थान अकेला है। और राजस्थान का जो आकार है दोस्तों, ये पूछ लिया जाए तो राजस्थान का जो आकार बताया गया है, तो आकार दोस्तों बताया गया पतंग आकार या विषमकोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान का आकार पूछ लिया जाए तो कैसा है, पतंग आकार और विषमकोणीय चतुर्भुज राजस्थान का आकार है। तो इसको दोस्तों बताया किसने, कुछ प्रोफेसर का क्या नाम था या उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो ये बताने वाले थे राजस्थान का जो भौगोलिक आकार है उसके बारे में जो बताने वाले थे उनका नाम था दोस्तों प्रोफेसर TH हेंडली। तो प्रोफेसर जो TH हेंडले थे उन्होंने बताया कि राजस्थान का जो आकार है वह पतंग आकार है या विषमकोणीय चतुर्भुज है। तो ये TH हेंडले ने इसके बारे में बताया, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो नोट करने के बाद में जो अगली जानकारी है वह मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो वह जो है कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वह कितनी है। तो राजस्थान का उत्तर दोस्तों ये ऊपर गंगानगर में हो गया, तो गंगानगर का जो कोणी पर एक गाँव पड़ता है कोणा गाँव, तो कोणा गाँव से लेकर कहाँ तक है, नीचे अपन चलेंगे बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा का जो गांव है
उस गांव का नाम है बोरकुंड बांसवाड़ा। तो बोरकुंड गांव में यहां पर खत्म होती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है राजस्थान की, तो वह दोस्तों कितनी है, वह 826 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई पूछ ली जाए तो 826 किलोमीटर हो गई। यदि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ ली जाए, यदि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ ली जाए तो पूर्व से पश्चिम में धौलपुर से शुरू होकर जैसलमेर में खत्म होती है। तो धौलपुर में दोस्तों एक गांव पड़ता है शिलाना गांव। तो यहां पर कौन सा गांव पड़ता है, शिलाना गांव, नोट कर लीजिए। तो शिलाना गांव से लेकर जैसलमेर में भी एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम क्या है, कटरा गांव, जो समतासिल में पड़ता है। तो कटरा गांव तक यह सीमा कितनी है, तो यह सीमा होगी दोस्तों 869 किलोमीटर। तो यह 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई, उत्तर से दक्षिण कितनी होगी, 826 किलोमीटर। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब अगली जो जानकारी राजस्थान के बारे में बेसिक जानकारी है वह मैं आपको बता दूं दोस्तों। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा आपको हमने बता दी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में भी बता दिया। अब राजस्थान के पांच राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यानी पांच जो राज्य हैं उनके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो ये दोस्तों जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये किस किस जिले के साथ में जुड़ती है, था कौन से राज्य हैं पांच राज्य, तो पांच राज्यों में दोस्तों जो पड़ता है वह पड़ता है पंजाब, फिर हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर नीचे गुजरात। तो इन पांच राज्यों के साथ में बनाता है। तो इनके साथ कितने जिले जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आप अपना देख लेते हैं कि अपन जो मैप भरते हैं तो मैप को किस प्रकार अपने को भरना है। तो सबसे पहले गंगानगर से अपन शुरुआत करेंगे, उत्तर से शुरुआत करके फिर घूमते हुए हनुमानगढ़ तक आएंगे। पहले चारों जो किनारे किनारे वाले जिले हैं वह भर लेंगे, उसके बाद में जो मध्य में जो जिले हैं वह हम भरेंगे। तो गंगानगर सबसे पहले आपको मैप में ऊपर देखना है गंगानगर। तो ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको गंगानगर है, सबसे पहले आपको इसमें गंगानगर बनना है। उसके बाद पाकिस्तान के पास में चलते जाइए, फिर आ गया अपना बीकानेर। तो ये आपको पांच चार बार अपना मैप में आप भरेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो गंगानगर के बाद में बीकानेर भर देंगे आप, बीकानेर के बाद में जैसलमेर भर दिया, उसके बाद में बाड़मेर, फिर अपना जालौर आ गया। तो बाड़मेर तक पाकिस्तान की सीमा आती है, फिर बाड़मेर से यहाँ पर गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। फिर आ गया यहाँ पर जालौर, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद दोस्तों आ गया उदयपुर। तो उदयपुर के बाद में आ गया तो डूंगरपुर आ गया, तो डूंगरपुर आ गया, फिर बांसवाड़ा आ गया दोस्तों, फिर प्रतापगढ़, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में दोस्तों जो जिला अपना जो आ गया वह आ गया बूंदी, अपने को बढ़ लेना है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, फिर भरतपुर, उसके बाद में अलवर, और अलवर के बाद में अपन बढ़ लेंगे जयपुर, जो राजधानी है। तो राजधानी के बारे में तो आपको पता होगा जयपुर, उसके बाद में आ गया सीकर, उसके बाद में चूरू, झुंझुनू सॉरी, फिर चूरू आ गया, उसके बाद में आ गया हनुमानगढ़, उसके बाद में फिर गंगानगर आ गया। तो पहले जो आपको मैप बनना है तो आपको जो किनारे किनारे पर चलना है, इस प्रकार चलते हुए जो संपूर्ण मैप है वह आपको बनना है। तो हनुमानगढ़ तक अपने अपने पूरा मैप भर लेंगे। तो ये आ गया मैप के बाद में जो कोने पर जो जितने भी जिले थे वह अपन ने भर लिए। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान के जो मध्य में जिले पड़ते हैं, ये कितने जिले हैं जिनके किसी भी राज्य की या किसी भी देश की सीमा टच नहीं करती है। टोटल दोस्तों ऐसे 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य से या किसी भी जिले से टच नहीं होते हैं। तो उन 8 जिलों के बारे में अपन पहले देख लेते हैं। तो उन 8 जिलों के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन, शुरू यहाँ से करते हैं नागौर से। तो नागौर चूरू के नीचे आ जाएगा, फिर बीकानेर के पास में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नागौर। तो एक नंबर अपन दे दिया नागौर को। उसके बाद में चलते हैं जोधपुर, तो ये 2 नंबर आ गया जोधपुर। ये 8 जिले हैं, पूरे 8 जिले आपको बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आ गया पाली, तो ये 3 नंबर आ गया पाली। पाली के भी किसी भी जो राज्य की या देश की सीमा टच नहीं करती है, लेकिन पाली के बारे में दोस्तों विशेष बात यह है कि पाली ऐसा जिला है जो 8 जिलों से सीमा टच करती है। सर्वाधिक 8 जिलों से पाली की सीमा टच करती है। 8 जिले कौन कौन से हैं, तो पाली से दोस्तों एक नागौर रहता है, दूसरा जोधपुर, फिर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद हो गया, अजमेर हो गया। तो टोटल 8 जिले पाली से टच होते हैं। तो ये अपने 3 जिले बढ़ लिए पाली, पाली के बाद में चौथा जो अपने बढ़ लिया राजसमंद, और राजसमंद के बाद में पांचवा आ गया अजमेर। अजमेर से भी किसी की टच नहीं होती है। तो अजमेर के बाद में दोस्तों आ गया टोंक, तो ये आ गया टोंक। टोंक के बाद में कौन सा आ गया बूंदी, तो ये बूंदी आ गया, 7 हो गए। और अब 8वां आ गया दौसा। तो ये 8 ऐसे जिले हैं जिनसे किसी भी राज्य या किसी भी देश की सीमा टच नहीं होती है। तो
दोस्तों आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, यदि आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, नागौर, फिर जोधपुर, पाली, राजसमंद चार हो गए, अजमेर पांच, टोंक छः, बूंदी सात, दौसा आठ, तो टोटल आठ जिले हो गए। तो आठों जिले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आगे की जो जानकारी अपन देखते हैं वह देखते हैं कि किस कौन से जिलों से किस राज्य के कितने जिले टच होते हैं, तो उनकी जो टोटल सीमा टच होती है वह कितनी होती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जिस राज्य की सीमा राजस्थान के टच होती है वह उस जिले का नाम क्या दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, तो सबसे कम पंजाब की 89 किलोमीटर टच होती है। तो अपन शुरू करते हैं पंजाब से, तो पंजाब की जो सीमा टच होती है दोस्तों वह होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ से। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ से पंजाब की सीमा टच होती है, तो ये कितनी होती है 89 किलोमीटर टच होती है। उसके बाद में जो अगली जो सीमा टच होती है दोस्तों वह होती है हरियाणा से। तो पड़ोसी राज्य हरियाणा है, तो हरियाणा से दोस्तों राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं, तो हरियाणा से सात जिले टच होते हैं। तो सात जिले कौन कौन से हैं वह देखते हैं। तो पहला जिला हो जाएगा हनुमानगढ़, फिर दूसरा हो गया दोस्तों चूरू, फिर तीसरा हो गया झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में हो गया जयपुर, चार हो गए अलवर, हो गया पाँच और भरतपुर हो गया, ये बीच में सीकर छूट गया, ये सीकर हो गया और भरतपुर तक होती है। तो टोटल सात जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा से टच होती हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में आ गया अपना झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आ गया सीकर, सीकर के बाद में जयपुर की सीमा टच होती है, उसके बाद में अलवर और फिर भरतपुर। तो भरतपुर तक हरियाणा की सीमा टच होती है। तो हरियाणा के दोस्तों कितने किलोमीटर की सीमा टच होती है, ये होती है 1262 किलोमीटर की हरियाणा राज्य से सीमा टच होती है। तो आपको 1262 किलोमीटर हरियाणा से कनेक्ट करना है। अब अगली जो सीमा दोस्तों टच होती है वह अपनी होती है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं, तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के दोस्तों दो जिले संपर्क में आते हैं। तो उन दो जिलों का नाम कौन कौन सा है, वह है भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर और दो ही जिले जो टच होते हैं वह उत्तर प्रदेश से होते हैं, दो ही जिले टच होते हैं अपने पंजाब से। तो ये कॉमन हो गया, इसको आप ही याद कर लेना। तो पंजाब की सीमा कितनी थी 89 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो हरियाणा की थी वो कितनी थी 1262 किलोमीटर। यूपी की सीमा कितनी टच होती है, तो यूपी की सीमा टच होती है दोस्तों 877 किलोमीटर। तो 877 किलोमीटर आपको यूपी की सीमा टच हुई मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेट टच होता है राजस्थान के वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कितने जिले टच होते हैं, तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के सर्वाधिक ज़्यादा जिले टच होते हैं। तो कितने टच होते हैं, तो मध्य प्रदेश के दोस्तों 10 जिलों की सीमा टच होती है। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों से को छूते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जो पहला जिला टच होता है वह होता है धौलपुर, उसके बाद दोस्तों होता है करौली, करौली के बाद में होता है सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में होता है कोटा, चार हो गए, फिर हो गया बारह, पाँच झालावाड़, छः उसके बाद दोस्तों आ गया चित्तौड़गढ़, सात भीलवाड़ा, आठ प्रतापगढ़, नौ और झालावाड़ हो गए 10। तो ये नोट कर लीजिए आप, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारह, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो टोटल कितने हो गए 10 जो जिले हैं वह टच हो गए मध्य प्रदेश के। टोटल सीमा कितनी होगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य के संपर्क में आती है। तो ये इतनी जानकारी दोस्तों आपको, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसमें दोस्तों एक जो और नॉलेज वाली बात है वो आपको बता दूं, यदि पूछ भी लिया जाता है ऐसा बार बार क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यदि आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ और कोटा दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से दो बार टच होती है। यानी एक बार तो सवाईमाधोपुर 12 के बीच में कोटा यहाँ पर मध्य प्रदेश के टच होता है, फिर दूसरा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में यहाँ पर टच होता है। और दूसरा जिला जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ की जो खंडित है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के टच होने के बाद में बीच में भीलवाड़ा टच हो जाता है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ टच होता है। तो टोटल 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के संपर्क में आ गई जो राजस्थान की सीमा आ गई। अब अगला जो है दोस्तों वह पाँचवा राज्य है गुजरात। तो गुजरात की सीमा कितने राज्यों के टच होती है, तो गुजरात की सीमा दोस्तों टोटल छः जिलों के टच होती है राजस्थान के छः जिलों के टच होती है। वो छः जिले कौन कौन से हैं,
उनमें दोस्तों एक नंबर आ गया बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर दो, उदयपुर तीन, सिरोही चार, जालौर पाँच, और बाड़मेर की थोड़ी सी सीमा टच होती है तो बाड़मेर छः। तो टोटल छः जिले हैं ये गुजरात से संपर्क में आते हैं। इनकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर टच होता है, तो ये दोस्तों होता है 1022 किलोमीटर गुजरात से टच होता है राजस्थान का, जो जिले हैं वह टच होते हैं। तो छः जिले होते हैं, तो उनका नाम देख लीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर। तो ये इतना आपको टच होता है। अब दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए, तो राजस्थान का मैप के बारे में जानकारी इजीली याद हो सके। अब दोस्तों देखते हैं राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान से टच होती है वह कितनी होती है। तो पाकिस्तान से दोस्तों राजस्थान के चार जिले संपर्क में आते हैं। पहला आता है गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर, उसके बाद में आता है बाड़मेर। तो ये चार जिले संपर्क में आते हैं। तो सीमा की शुरुआत होती है दोस्तों वह गंगानगर का एक हिंदुमल कोट का है जगह है, तो हिंदुमल कोट से शुरू होकर जो बाड़मेर में एक गांव पड़ता है, हिंदुमल कोट से कहां तक होती है, बाकासर, जो सागर तहसील में है, तो यहां तक, यहां से होता है लगभग, तो ये बाकासर तक होता है। तो बाकासर तक चारों जिलों की सीमा लगती है। टोटल आपको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने आपको बता दी थी वह 1070 किलोमीटर टच होती है। तो कौन से जिले की कितनी टच होती है वह भी आपको बता दूं दोस्तों। तो पाकिस्तान से गंगानगर जिले की सीमा टच होती है वह कितनी होती है, वह दोस्तों होती है 210 किलोमीटर। तो गंगानगर से आपको 210 किलोमीटर टच करनी है। फिर बीकानेर से कितनी टच होती है, तो बीकानेर से दोस्तों 168 किलोमीटर टच होती है। उसके बाद में जैसलमेर से सर्वाधिक होती है, यह होती है दोस्तों 464 किलोमीटर होती है, यह जैसलमेर से होती है। उसके बाद में आता है बाड़मेर, तो बाड़मेर से कितनी सीमा टच होती है पाकिस्तान की, तो बाड़मेर से दोस्तों टच होती है, इसका नाम है 228। तो 228 किलोमीटर संपर्क में आती है बाड़मेर से। तो आपको चारों जिले जो टच होते हैं उनके बारे में बता दिया, कितनी कितनी सीमा टच होती है उसके बारे में बता दिया। तो ये दोस्तों राजस्थान के मैप के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वह हमने आपको बता दी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसका आंसर आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो की क्विज हम जल्दी लेकर आएंगे, यानी अगला वीडियो जो होगा वह राजस्थान का जो मैप है उसके क्विज के बारे में होगा। तो मैप को आप जरूर अच्छे से तैयारी कर लें, जैसे ही अगर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्विज आएगा तो क्विज के आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। अब दोस्तों आपके बारे में जो इस वीडियो के बारे में आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का वह कौन सा है, तो वह दोस्तों जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला है वह कौन हो गया, तो सबसे छोटा जिला हो गया धौलपुर। तो सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 38,401 हो गया। तो ये दोस्तों आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा साफ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 38,401 किलोमीटर स्क्वायर जैसलमेर का क्षेत्रफल हो गया, जो सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला है उसका नाम है धौलपुर। तो धौलपुर की जो क्षेत्रफल है वह कितना है दोस्तों, तो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,033 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 3,033 किलोमीटर स्क्वायर है, ये धौलपुर का क्षेत्रफल हो गया। था जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। था जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे बड़ा जो जिला है वह है जयपुर, और सबसे छोटा जिला है उसका नाम है जैसलमेर। तो सबसे बड़े जिले में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो कितनी थी, तो ये जो थी दोस्तों ये थी 66,26,178। तो 66,26,178 ये जनसंख्या जयपुर की थी। इसके अलावा जैसलमेर की कितनी थी 2011 में, तो जैसलमेर की जो जनसंख्या थी जो सबसे छोटा है जनसंख्या दृष्टि से, तो वहाँ की जनसंख्या दोस्तों 6,69,919। तो 6,69,919 है ये जैसलमेर की जनसंख्या थी। तो जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर सबसे छोटा, तो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर हो गया। अब जयपुर और धौलपुर के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों आपको बता दूं
इस वीडियो के बाद में अपनी जो क्विज आएगी उस क्विज के ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उसके पास दिए गए बेल आइकन घंटे के स्थान को आप जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की तैयारी आप बेहतर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।